रहा गाया कलाकार ओम प्रकाश दीवाना पूरा साथियन खवास में बड़े भैया सतीश राय का देख रेख में ऑडियो और अजय भैया का देख रेख में वीडियो प्रस्तुत होतबा। बेब कंपनी का सौजन्य से जौना कैसेट का नाम बा मानव बना दानो उर्फ दुल्हन नहीं दहेज। मानव बना दानो उर्फ दुल्हन नहीं दहेज। ए बाबू ए शीर्षक पर रउआ लोगन के गौर करे के पड़ी। चार लाइन भूमिका में कवि का भाव है। धन रे दहेजवा कलेजवा दुखा दिहलसी दरी दरी के ठोकरी उठावे ले बाबू जतन कई के बिटिया के मंगिया भरावे ले बाबू शिश के लिकलिया पापी बमलिया अर करी के करार सब पूजा पतिया में मन की जिज्ञासा मिटावे ले बाबू। आए बाबू बिरहा में यहां एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर साहब कैसे वह कव्वाली का टुकड़ा बा कौनो आशिक अपने मासुका से कहे जाना तरु तान्या तू दूर वालू तबो उतने दुखबा सटा तालू तबो उतने दुखबा कहलस का कहलस अरे कल भी मन अकेला था हा हा कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है अकेला
किस्मत ने जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। ऊंची कवि जी बिरहा में भाव लिखलन, का लिखलन बाबू? ए बाबू दहेजी इस दुनिया में, अरे दहेजी इस दुनिया में सबका दिल दुखाया है। कितनी प्यारी बहुओं को, कितनी प्यारी बेटियों को अरे जिंदा जलाया है। दहेज इस दुनिया में सबका दिल दुखाया है। शुरुआत हो गई, कहानी कहां कबा के करबा? प्यार व्यापार बना पैसे की फिरौती से, भारत परेशान है दहेज की चुनौती से। यूपी प्रांत में कानपुर जिला सानी है, टेंगरी शर्मा की भट्टपुरवा में पलानी है। बेटी धर्मशीला बेटा संतोष प्यारा था, पत्नी रीता देवी का वो निज दुलारा था। बेटी सयान हुई टेंगरी दिल में ठान चले, कोनी ग्राम में नथुनी का पता जान चले। नथुनी शर्मा का पुनूम बेटा प्यारा था, नथुनी शर्मा का पुनूम बेटा प्यारा था। 60,000 रुपया और मांग बहुत सारा था। बाबू आज तनी कहानी के समझ ली। दुनिया का हर लोग कहत बा कि लड़की घटत बाड़ी लड़का बढ़त बाड़े, आखिर लड़की काहे ना घटी हं लड़का काहे ना बढ़ी हं। कहानी बा कहाँ का? उत्तर प्रदेश में कानपुर मशहूर जिला, मशहूर शहर वही कानपुर के बगले में ए बाबू एगो भट्टपुरवा गांव बा। भट्टपुरवा गांव का रहे वाला टेंगरी शर्मा भगवान दुई औलाद दे ले बलन, एक बिटिया एक बिटवा। बिटिया का नाम धर्मशीला, बेटा का नाम संतोष, धर्म पत्नी का नाम रीता देवी। ए बाबू जब 16वां बसंत पार धर्मशीला कैले बा, बाबू का अपनी बिटिया का शादी के बोझा कपारे पर आ गई। दीने चैन ना बा, राती नींद ना बा। ए बाबू पता लगावत लगावत कोनी गांव में पहुंचलन। कोनी गांव का रहे वाला नथुनी शर्मा, नथुनी शर्मा का एकलौता बेटवा जौना का नाम पुनुम्बा। नथुनी शर्मा पेशा से प्राइमरी विद्यालय का हेडमास्टर बाड़न। टेंगरी शर्मा कहलन साहब हमार बेटी बा रिश्ता लेके आइल बनी। मास्टर साहब कहलन ए शर्मा जी दहेज ना चाहिए। बड़ा खुश भइल टेंगरी, लेकिन एगो चीज चाहिए, 60,000 रुपया चाहिए, एगो टीवी चाहिए, एगो कूलर चाहिए, एगो फ्रिज चाहिए, हमके दहेज ना चाहिए। ए बाबू धीरे धीरे लाख का गिनती करा दला, मैं दहेज नहीं चाहता। बारे पैसा मांगे वाला जब एतनी बतिया टेंगरी शर्मा सुनलन, मने मने ख्याल में डूब गईलन। ओ भगवान से मने मने सवाल कैलन, प्रार्थना कैलन। का कैलन मास्टर बिरहा में तर्जबा?
वह गीत का लाइन बा, तानिया जाना तारू तहरे मतीन भौजाई के एगो देवर परेशान कर दलस। उ दरोगा जी के यहां जाके रिपोर्ट लिखोले भैया, का लिखोलस कि अरे पिया बसे परदेश में हमरो, पिया बसे परदेश में हमरो दुख से तनी उबारी ए दरोगा। बेटी दी हाँ ता रुपया दी हाँ, बेटी दी हाँ ता रुपया दी हाँ, कहे बाप भिखारी ए विधाता हो, ई है बाटे यार जी हमारी ए विधाता शर्मा। भगवान से एगो और बात कहे, का कहा अरे जवन बेटी जागत के, जवन बेटी जागत के अरे जननी कहाली गर्भ में मराली, अरे कारण दहे जवाये भगवन, कारण दहे जवा, अरे कारण दहे जवा मालिक, कारण दहे जवा मालिक का, जवन बेटी जागत के जननी शर्मा। ये कहलन हे भगवान, आज केहू अपना गर्भ से बेटी काहे नहीं खे जन्मावत, यही से ना ए बाबू तब तक से नथुनी शर्मा घरवा से इलन कलन ए भाई जी रिश्ता पसंद भयल तो तय कर आ नहीं तो अपना घरे जा। एगो बात कहलन ए साहब तनिका हमारे को बतिया ना सुनबा, बिरहा में तर्ज लगे मास्टर कैसे बढ़ के देबा और बढ़ला बाजियो। रउआ लोगन के बीच में हम अपन एगो कैसेट छोड़ले रही जौना कैसेट का नाम रहल ड्राइवरवा मांगे ए तान्या तहरे मातिन लेकी ऐसने पोशाक पहन लेलस, ओकर जवन चीज ना लौके के तौनो चीज जमाना देखत बा।
कौनो लइका कहलस अरे नियत देला हमरो बिगार बबुनी हाँ नियत देला हमरो बिगार बबुनी अरे टाइट टाइट तो हारो या नार बबुनी अरे माथा पर बा बोझ बरी यार भाई जी माथा पर बा बोझ बरी यार भाई जी ई रही जाई बिटिया कुंवार भाई जी हो शर्मा से कहलन बिरादर हुआ एह नाते तनी एगो हमार बात सुना का कहलन भाई हुआ बुझल चारी सर पे बाई गरीबी हो छोड़ी द फ्रिज व कूलर टीवी हो नथुनी शर्मा कालन तो हमार मांग पसंद नहीं खे तो जाओ दूसर द्वार देख वाह वाह रे टेंगरी शर्मा बिटिया का बाप के ओ बाप का ताना लग गई एक बीघा जमीन बा मने मने सोचत हवन शादी करब तो तोहरे यहाँ करब कैलन का अरे शादी लिए टेंगरी सकार भाई जी शादी लिए टेंगरी सकार भाई जी अरे रही जाई बिटिया कुंवार भाई जी हो शादी तय कैली हलन टेंगरी शर्मा बढ़ई गिरी कर लेकिन भगवान के दुआ से एक बीघा खेत बा उ एक बीघा खेत अपना बिटिया के नाम पर बेच दे हलन बेच के ए बाबू तिलक दे के खूब धूमधाम से अपनी बिटिया धर्मशीला का शादी कर दे हलन जब शादी भयल बिटिया विदाई होत बिया तो कभी जी एगो नैहर और ससुरा का रिश्ता जोड़ के बड़ी ऊंची बात लिखलन का लिखलन बिरहा में बड़ी रंगीन तर्जमा मास्टर तनी हेले आवा तहरे मातीन तनी और हेले आवा तहरे मातीन कोनो मेहरारू कोनो मरद के मिल गई वो बेचारा बड़ा खुश हो के एक दिन आया अपना दोस्तन से कहे जानत हो सन हमार मेहरारू कैसन मिलल यही तान्या मातीन वो कहत है अपने यार दोस्त ले का खलस कि जैसन सोच ले रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी अरे जैसन सोच ले रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी सावरना गोर बाड़ी हो तनिका छर हर पातर मोट थोड़े थोड़ बाड़ी तनिका छर हर पातर मोट थोड़े थोड़ सावरी नगोर बाड़ी हो
लेकिन त कवि जी का लिखलन ह, तरोवत बिटिया छोड़ के बाबुल के घर द्वार चलली, तरोवत बिटिया छोड़ के बाबुल के घर द्वार चलली, अपने ससुरार चलली हो, छोड़ के माई के ममता दुलारी चलली, तो छोड़ के माई के ममता दुलारी हाँ अपने ससुरार चलली हो, छोड़ के माई के ममता दुलार चलली, बिटिया के जवनी समय विदाई होला, गांव का हरेक मेहरारू आंख से आंसू बरसावेली, अगर नीक कर्म कैले बा तबो, खराब कम कैले बा तबो, लोग कहन जायदा पाला बेचारी फलनिया गई, बड़ा दिल का साफ रहल, केतनो झगड़ा करत लेकिन चार दिन के बाद ऊ जरूर बोलत रहे, अपन मेहरारू बिलखत हैं धर्मशिला नीके नीके अपना ससुरा गईल, लेकिन ए बाबू ए हर देख है जब चौथारी कलेवा पर नैहरेक लोग पहुँचलन, बाबू नथुनी शर्मा भेंट करे के समय कहलन कि अब ओ लैकी के मालिक हमार बेटवा पुनूम हो गई बा। ए बाबू जब ये तनी बात ठेंगरी शर्मा सुनलन, पुनूम से कहलन बेटा हमार बिटिया से भेंट ना करी बा, हमरा बिटिया से तनी भेंट करा दा बाबू, कहे सुना जवन दिहला तवन अपना लड़की के दहला हमें का दिहला, सुना हमके जब ले सोना कसी करी ना देवत तब से तोहरा बिटिया से भेंट ना कराई। ए बाबू दहेज कमांग बढ़े लगल, आखिर लाचार होकर गरीब बाप वापस चला गया, कुछ दिन मजदूरी किया काम किया, कर्जा महाजन काढ़ के सोना कसी करी बनवा के अपने बेटावा संतोष से पठौले बा, और जब संतोष ले पठौलस ए पंचो संतोष रात भर रहल सवेरवा भइले कलस, ए जीजा जी हमरा दीदिया का विदाई का दिन रख न दस सावन आयो लाबा, एतनी बतिया जब उस संतोष के पुनूम सुनलस कलस, अबे साले हमें सिकरी देकर खरीद लिया, तेरा बाप जब तक से मोटरसाइकिल नहीं देगा तब तक से मैं तेरी दीदी को विदा नहीं करूंगा, एतनी बतिया जब सुन ले बा पुनूम, ए बाबू आज अपने जीजा से वो बात कलस का कलस बिरहा में तर्ज लगे, कौनो दुलही अपना दुल्हा परदेसी पिया के फोन लगा के एगो बात कहत भी का कहलस कि गवना करा के उठेला दर्दी अरे हमार आगत रे तार में उठेला लेकिन
से उस संतोष धर्मशीला का भाई एगो बात कहलस। का कहलस? सोना के सिकरिया दिहली, सोना के सिकरिया दिहली, तोह के आई हो कई देव दीदिया के हम, अरे कई देव दीदिया के हमारा जीजा जी करी दे बदी दिया के हमरा जीजा जी बिदाई हो, करी दे बदी दिया के ए बाबो पुनुम का सामने रोवता जीजा हमार दीदिया का दिन रख दिदाई का दिन रख दीजा डांट कर बोला जाओ मोटरसाइकिल लेकर आना अपने बाप से। ए बाबू ए हर जवन दान दहेज देवे में कर्जा ले ले बालन टेंगरी शर्मा का कर्जा वाला लोग दौड़े लगलन। ए हर बिटिया के दहेज खातिर लोग मारे लगलन गरियावे लगलन कहियो खाना न द कहियो पानी न द कहियो मारे। ए बाबू एने देखे जवन आखी बाकी रहे वाला जमीन बा बेच के टेंगरी शर्मा वही कानपुर रेलवे फुटपाथ पर रहे लगलन। एक खेलत हंसत परिवार ए बाबू रिक्शा चलावे पर ओ बुढ़ौती में बाप उतारू हो गिलन। रिक्शा चलावे पर उतारू बाड़न ए हर एक दिन माई रीता देवी का तबीयत खराब भइल चिट्ठी लिख लिए बेटी आके तू अपना माई से भेंट कलन तई तार बुढ़िया मतारी अब ना बची तार एक बार मुहमा देख लेती हम संतोष कर लेती धर्मशीला चिट्ठी पढ़ के रोवत बिया बारे माई बारे बाबू कुल खेत बारी बेच के का कैला कि न तो तू सुख से बाड़ा न तो तुहार बिटिया सुख से बाबा ऐसे तो बढ़िया रही कि हमरा के कौनो गरीब के यहाँ बियाह दिले हुई तो हम दुख करती लेकिन तू लोग सुख करता ना। अरे बाप रे बाप तब तक से पुनु माई देखलस कलस कारे ई के कर चिट्ठी लेके पड़त वाली कौनो तोर नहीं हरे कई और का चिट्ठी आइल बा कलस नाए बाबू नाए राजा जी हमार माई बीमार बिया हमके खोजत बिया पहुंचा द ना। ए पंचो इतनी बतिया सुनलस कलस लिख चिट्ठी में लिख तू नहीं तेरी अर्थी जाएगी। ए बाबू आज तहेज का दानवता जब हद के पार कैलस तब कभी जी तेरी में भाव लिखल मास्टर पर्दा बढ़ा के दा और बढ़ जा दहेजवा जब से दानव हो गई अरे दहेजवा जब से दानव हो दहेजवा जब से दानव हो गई तब बिटिया के जन्मावे में बिहरे करे जवा यरे करे जवा यरे करे जवा। अरे बाबू आज गो माई बेटी की जन्मदिन में कांप जात बा गर्भ में बिटिया मारल जात बाली काहे खातिर तो बेटी जन्मी तो दहेज देवे की पड़ी। ए बंचो आखिर धर्मशीला चिट्ठी लिखत बा माई हमार आशा छोड़ दिया माई बाबूजी बदे इगो उम्मीद लेके कुछ लिखलस का लिखे मास्टर
ले बा कि लिखे धर्मशीला आसुगारिये पापा, लिखे धर्मशीला आसुगार हमार पापा, और गड़िया भेजा लिखे धर्मशीला दहेज खातिर पपिया का करेलन खाना कब कब मिले कब मिले पानी, खाना कब कब मिले कब मिले पानी, खाना कब कब मिले, अरे घर हर बिटिया कबो जिंदा ना रही पापा, जान तरह पापा पपिया का करियन मारी दी है पापी बदकारी ये पापा, मारी दी है पापी बदकारी, अरे हमारे पापा गाड़िया भेजा दा, मारी दी बाबू आंख में आंसू भर के ये बतिया लिखलस, जब संतोष अपना माई के चिट्ठिया पढ़ के सुनौले बा, माई रीता ये सदमा के बर्दाश्त ना कैली, दुख बर्दाश्त ना कैली, ए बाबू दम टूट गई, आज दम टूट गई, हार्ड मरीज हार्ट अटैक कैलस, दम टूटल बा ये बाबू, बेटवा संतोष रोवे मम्मी, मम्मी हमें छोड़ के कहाँ चल गई लू, मम्मी मम्मी छोड़ के कहाँ चल गई लू, दौड़ल गई बाप पापा के बुलाई स्टेशन पर, पापा टेंगरी शर्मा नहीं मिलन, दौड़ता हुआ गया बस स्टैंड में, कहीं पापा रिक्शा ओजा चलावत हुई, पापा रिक्शा के रोड से ए पार से ओ पार कैल चाहत वाला कोनो सवारी हाथ देत बा, तब तक से बाबू एक ट्रक का चालक ट्रक को इतनी तेजी गति से ले जा रहा था कि ट्रक वो बाबू का आधा शरीर या कुचलत निकल गई, दौड़ता हुआ संतोष उठाया गोद में बाबू, बाबू ये कवन दी दिखला बाबू, ए बाबू चला ना चला ना चला घर चला, डारे बेटा ना बेटा हम अब ना बस किला, जाके कह दिए अपना माई से जाके कह दिए कि हो सकी ए गरीब पति के हर दुख के सह के हमके माफ कर दी, ए तनी बतिया जब मासूम संतोष सुनलस कलस पापा, अरे पापा खौना माई से तो हर दुख सुनाई, जवन माई का दुख तो से कह एली तू ना सुन पौला, माई तो तुसे पहले दुनिया से विदा हो गेली नी पापा, विदा हो गेली, इतनी बात जब वो बूढ़ा बाप सुनलस बेटा, जाने दे मुन्ना हमें जाने दे, तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, रास्ता देख रही है, ना पापा ना तू हमें छोड़ के ना जा सकेला, पापा तू हमें छोड़ के ना जा सकेला, इतनी बतिया कहत बा तो ले बूढ़ बाप का वो घायल बाप का मुड़िया बेटवा का गोदिया में लटक गई, यानी वो बाप मर गया बाबू, जब बाप मतारी दोनों मर गईलन, कभी जी एगो बात लिखलन विदेशिया का बाबा,
बाबू माई मारी गली ले ए बाबू बेटी से ना भेटी भईले अरे तलसिया परसिया बहावे बाबू छतिया पर मुका मारी दुखड़ा सुनावे सब से हालत देखी कोई नहीं आवे ला सामाना सब ही से आए बाबू स्टेशन पर माई बाप का लाश रख ले बा हाथ जोड़ के दुनिया के लोगन से कहे बाबू हम बड़ा गरीब हैं बाबू हमार माई बाबू मर गईलन माई बाबू का दाह संस्कार करे खातिर कोई पैसा दे द बाबू। बाहरे आजाद भारत कोई वो लड़का का लाश का नाम पर चंदा दे खातिर उतारू ना बा। रेलवे पुलिस के लोग आए साथियों स्टेशन की बात है बहुत सारे यात्री आएंगे इससे अच्छा है कि इसका दाह संस्कार किया जाए। रेलवे पुलिस के लोग ले जाकर के उस लाश का दाह संस्कार किए और बाहर हमारे भारत सरकार के वो वीर सपूत वो लड़का के दाह संस्कार कैला के बाद जा बेटा जा जा भारत में बहुत दानी लोग हैं भीख मांग करके जी खा लेना। आज एगो चौना लड़का का हाथ में कलम होके के चाहिए वो लड़का का हाथ में कटोरा आ गई भीख मांगे खातिर भीख मांग के जब था कलबा कलश चलब अपना जीजा के बताई भो सकेला हमार दुख समझियन पहुंचा है अपने जीजा के यहाँ। जीजा देखल कल रे सारे आई लाल पियर कपड़ा पहन के आ गई ले हमरा यहाँ बोल तोर बाबू मोटरसाइकिल कहिया दी हन। इतनी बतिया जब सुनलस कलश बाहर जीजा एगो हमार बात सुना ना कहे सुना का सुनौलस बिरहा में तर्ज लगे ये कहले बा कि अरे हमारा समय या पर कि हमारा समय या पर अरे कारना बिचारा वाये जीजा जीजा सुनना हमारा हालत कैसन बा माई बाबू छोड़ी चली गई ले सनसारा के दुलरवा
बाबू ए तनवे बतिया बतौला जीजा माई बाबू तो मर गईलन तो के मोटरसाइकिल के दे ही। जब ई सुनलस तकलस रे बाप रे बड़ा बढ़िया जुगाड़ धललस। अब तो रही बांस न बाजी बांसुरी माई बाबू मरी गई ना। आज दोनों भाईवा बहनिया के अपना घरवा में मार के जरा के फेंक दे। दूसर की शादी हुई दुनिया का लोग हमें बहुत काफी दहेज रुपया दिहन। बाहरे दहेज का लो भी किए का बाबू आधी रात का बात कभी जी लिखलन पहपट लिखल गई। अरे तक घोर नींद में सुतल बहिनी भाई आधी रतिया में। अरे घोर नींद में सुतल बहिनी भाई आधी रतिया में। आ बाद खाट में मारन लगा कसाई आधी रतिया में। तेल डाल के दहेज के लोभी दीहले आग लगाई हो। आतवले सुनिश्चित कारी गोदी के ललना। अरे रोवेला माई माई हो। तारे रो के कहे पापा से ले रतिया में। अनाथ पापा मरी जाई मोरी माई आधी रतिया में। ए बाबू आधी रात को खाट में बांध करके पीटना शुरू किया। टाट कर बोला संतोष अबे साले हिंजड़े की औलाद गद्दार दहेज का लोभी दानो। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो हमें खोल कर देख इस बहन के एक कच्चे धागे में कितनी ताकत है। कलसो गोरी जर गई लैठन बाकी बा निकाला साथियों जी पकड़ करके काट लिया। इतनों से संतोष ना भयल। मिट्टी का तेल किरासन का तेल ए बाबू डाल के दोनों भाई बहन के चरावे लगा। पर्दे की बात वो दुनहुन के बीच में 5 साल का एगो बेटा बा। जब माई का चित्कार सुनलस पापा से आके कलस पापा जब ना घरवा में सूती ल जाना वो घरवा में माई रोवत बा। आग लगल बा हमार मम्मी जरत बा। पापा पापा मम्मी के बचा ल पापा पापा हमार माई मर जी तम के करा के माई का पापा। कलस है उसमें तेरी माँ नहीं है ना पापा। ओ घरवा में हमार माई सुते ले पापा बहु सुती ला ना पापा। आज हम तो दूर काहे वाले मम्मी के बचा लो पापा मम्मी के बचा ला। बाहरी गद्दार दहेज का दानव दूसर तो दूसर आपन खून के कलश जाना चाहते अपनी मम्मी के पास। चल आकी बाकी मिट्टी का तेल अपना बेटवा पर डलस डाल करके ओ केवड़िया का हल्का धंधरवा खोल के ओ 5 साल का मासूम बेटवा के वही अखिया में छोक देलस। अरे बाप रे बाप एक राती दहेज के चलते तीन तीन जान गईल। ए बाबू तो कवि जी ई कुल देख के अल्लाह में बड़ी ऊंची बात लिखलन। का लिखलन यह लिखलन अगिया दहेज जवा के अरे कोई ना बुतावे भैया। अरे पा
आखिर उतना से ना जरलन, आकी बाकी और तेल डाल के वही घरे कंदर जला के बाबू कोई एक व्यक्ति चीख पुकार सुना था, लेकिन सोचा कोई रो रहा होगा, किसी बच्चे की रोने की आवाज होगी। रातों रात जला करके तीनों लाश के राखी के बोड़िया में बांध के वही राती नदी में दहवा दहलन। अय बाबू ई हालात देख के कवि का लेखनी सवाल कैलस मांग में सिंदूर डाले वाला से। का सवाल कैलस? बढ़ के देबा और बढ़ला। कवि का लेखनी सवाल कई लेबा ओ आदमी से जे अग्नि के साक्षी मान के सात फेरा लेला और सात जन्म तक जिए मरे का कसम खाला। धनंजय भैया तनी गौर करी है, आज दहेज के ऊपर कवि जी बड़ी प्रहार आघात कैलन। अरे तही तर अपना सिंदूर राखे ये भैया सब ही जला सतीश भैया यगिया दहे जावा के, अरे यगिया दहे जावा के कई से बुताई हो यगिया दहे बाबू। कवि के लेखनी सवाल कैलस आखिर ए बिरहा गौला का हमार मेन मकसद ई बा कि आज का ये महंगाई का दौर में दहेज का आग में अगर कौनो एगो बिटिया का शादी बगैर दहेज का हो गई तो जानब के हमार बिरहा गावल सफल हो गई। लड़का लड़की जो गोख है अरे सदिया रचाव आ घरवा में बहुला के खुशियां मनाव। हमरा बिरहा का शीर्षक रहल मानव बना दानव उर्फ दुल्हन नहीं दहेज। आखिरी भाव में कहना बा पतु छे भर सुखनंदन बुल्लू जी कह गए जागो। कवि सुरेंद्र यादव कहते दहेज न किसी से मांगो। दहेजवा जब से दानव हो गए